1933 का जर्मनी जब हिटलर पावर में आए, और जिस वक्त उनकी नाजी पार्टी पावर में आई, उनके सबसे करीबी माने जाने वाले पॉल योसेफ गेबल्स को मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने सबसे पहले जो कलाकार थे, जो पत्रकार थे, जो समाज में अच्छी पैठ रखते थे, समाज सेवा करते थे, उन सबको अपने तरफ करने का पूरा पूरा प्लान बनाया और किया। और फिर एक मैनुअल बनाया 1933 में जब वे सरकार में आए, जिसके तहत उन्होंने ये रूल्स बनाए उसमें कि किस प्रकार से पत्रकार जो विदेशों में सरकार की छवि खराब करते थे, ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे, उनको कैसे उनको बदला जाए, कैसे उनको कहा जाए। और उनको कहा गया कि उन उन हिस्सों को हटा दे अपने एडिटोरियल्स में से जिससे सरकार की छवि बिगड़ती हो, विदेशों में उनकी अच्छी छवि जाए, केवल उस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाए। अंत में क्या हुआ कि जो सरकार ने एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, उन्होंने किस प्रकार से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, उनका उत्पीड़न किया और तमाम डिटेंशन सेंटर्स में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों को भेज दिया। जो नाजी ठग थे वो लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके भी दफ्तरों के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ मचाते थे। इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री जो थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री मैंने कहा, उनका काम था कि किस प्रकार से अखबारों में और एडिटोरियल के पेजेस में जो चीज भी लिखा जाए उसको वो कंट्रोल करे और केवल वो लिखा जाए जो वो चाहते थे। और उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी इस प्रकार तैयार की। आज अगर आप जर्मनी में जाए, कोई उस नेता का नाम तक नहीं लेना चाहता, आपको कहा जाता है कि चुप रहो, इनका नाम मत लो। ऐसे लोगों से दुनिया को बचाना होता है, आपको समझदारी से काम लेना होता है। समझदार बनिए और अपने दिमाग को लगाइए कि आपको किस तरह की पत्रकारिता चाहिए, किस तरह के कलाकार चाहिए, कैसे होने चाहिए, हमारे देश में या अन्य देशों में किस प्रकार की खबरें आपको सुनाई जानी चाहिए।